ट्रेंडर्स में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट में शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से कुछ बताना है कि अगर आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्रॉपरली नहीं आ रहे तो मैंने आपको कल बता दिया था कि आपको क्या करना है। आपको मेरे चैनल पर आना है, खुद से ही वीडियोस के सेक्शन में जाके रिफ्रेश करके देखना है। जो यूट्यूब में अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वो रेकमेंड तो करता ही है, तो वहीं पर भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप मुझे आज जरूर से वोट करके बताइए यहां पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तीन तीन वीडियोस डाल रहे ना तो प्रॉपरली नहीं जाते। यहां पर वोट करके बताना कि नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते नहीं मिलते, तो मुझे उससे पता चल जाएगा, तो मैं आपको फिर और कुछ और चीज रेकमेंड कर सकता हूं। तो जरूर से वोट करना। हमने Redmi 8A का अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला, Samsung M30s का भी कुछ डाला और बहुत सारे और भी वीडियोस नेक्स्ट वीक दो दो तीन तीन वीडियोस एक एक दिन में होने वाले। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना दोस्तों, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, थोड़ा सा एफर्ट डाल देना, चैनल पर आके चेकआउट कर लेना। गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी लेके आ चुका हूं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर विक्रम लैंडर से दोस्तों। जी हां, वैसे मैंने पहले बताया था कि हमको शायद वक्त आ गया है विक्रम लैंडर को गुड बाय करने का, लेकिन अभी भी दोस्तों खबरें यहां पर निकल कर आ रही है कि विक्रम लैंडर के जहां पर ये लैंड हुआ था, जिस लोकेशन पर लैंड हुआ था, नासा ने यहां पर उस जगह की दो हाई क्वालिटी इमेजेस यहां पर जो वो निकाली है उनका खुद का जो ऑर्बिटर है जो चांद पर घूम रहा है उसके जरिए, क्योंकि चंद्रयान 2 की हेल्प नासा भी कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक्चुअली में विक्रम लैंडर उस पिक्चर में कहां पर है अभी उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने हाई क्वालिटी यहां पर इमेजेस जो निकाल दिए उस जगह की जहां पर विक्रम लैंडर जो वो लैंड हुआ था। हालांकि ये जो रीजन है जहां पर विक्रम लैंडर लैंड हुआ ये साउथ पोल का, आपको तो पता ही है पहली बार हमारा इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से कोई वहां पर जा रहा था जो हार्ड लैंडिंग की वजह से जो वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया। तो ये कुछ हाई क्वालिटी इमेजेस निकला, नासा ने कहा कि हम और भी करीब जाने वाले हैं और इसके बाद हमें एग्जैक्टली विक्रम लैंडर जो वो दिखाई देगा कि उसकी कंडीशन वहां पर जो वो क्या है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, बहुत नजदीक हम पहुंच रहे, फाइनली पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है और विक्रम लैंडर की कंडीशन क्या है, ये चीज अभी हमें दिखाई देगी। तो ये एकदम रियल लाइफ और एकदम फुल हाई क्वालिटी इमेजेस नासा ने निकाला है, जिससे हमें थोड़ी बहुत और होप मिल रही है। अब देखते हैं कि यहां पर दोस्तों आगे क्या होता है। तो यहां पर दोस्तों Amazon की तरफ से खबर आ रही है, भाई इधर तो एकदम से कॉमेडी हो चुकी है। Amazon ने अभी रिसेंटली अपने Echo Birds वायरलेस बर्ड्स और स्पीकर्स वगैरह जो यूएस के अंदर जो लॉन्च किए थे, और हमें पता नहीं ये सब अभी वो लोग इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च करेंगे। जो एको बर्ड्स था वो एप्पल के एयरपोर्ट्स को जो वो टक्कर देने के लिए आया था, एप्पल के एयरपोर्ट्स लगभग $159 का वहां पर है, ये आया था कुछ $129 पर, तो थोड़ा सा चीप था लेकिन आपको अच्छे खासे फीचर्स वो लोग उसमें दे रहे थे। Amazon के जो वीपी थे दोस्तों न्यूज चैनल पर आए थे उसके बारे में बताने के लिए, बताते उनके कान के अंदर ना एयरपोर्ट लगा हुआ था, एप्पल एयरपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं, एको बर्ड्स एको स्पीकर्स Amazon की वीपीओ कान में एयरपोर्ट था, मेरे कान में तो कुछ नहीं है ये चीज हो गई दोस्तों। वैसे पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसे कितने लोगों के साथ में हुआ कि कुछ और प्रमोट करते हैं और कॉम्पिटिटर का कोई भी चीज कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है। Amazon की वीपी के कान में एप्पल के एयरपोर्ट और खुद लॉन्च कर रहे एको बर्ड्स। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों Xiaomi का जो MIUI के एक कैमरा ऐप के अंदर अभी एक ऐसी चीज देखी गई है जिससे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय के अंदर दोस्तों Xiaomi अपने कैमरे के अंदर बाय डिफॉल्ट हम सभी लोगों को 8K वीडियो शूट करने का मौका देगा एट 30 FPS। हाँ, फिलहाल के लिए ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो MIUI ऐप के अंदर देखा गया ये कौन सा फोन और इसमें कौन सा कैमरा और सेंसर और कौन सा प्रोसेसर लगा है, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी भी जो Samsung का 108 MP वाला जो सेंसर आया है जो Mi Mix Alpha में, वो भी 6K तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग करने की उसकी कैपेबिलिटी से, यहां तक कि Snapdragon 855 जो प्रोसेसर या 855 प्लस है वो भी 4K 60 FPS पे आपको मिलता है। 8K अभी आपको स्मार्टफोन्स में कहीं नहीं मिल रहा है, जो Xiaomi के इस MIUI के कैमरे ऐप में XDA डेवलपर्स द्वारा यहां पर जो देखा गया है 8K एट 30 FPS। हो सकता है Xiaomi फ्यूचर में ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रहा हो Xiaomi के जिसमें बाय डिफॉल्ट आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। अब बाकी के एग्जिस्टिंग डिवाइस में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन कोई नए तरीके का सेंसर या नए तरीके का प्रोसेसर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लग रही है दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि कैमरे का स्मार्टफोन का जो टेक्नोलॉजी होगा वो कितना एडवांस होने वाला है। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Huawei की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों हमें बताया कि यूएस के बाद भी काफी सारी कंट्रीज जो वो Huawei को बैन कर रही है, क्योंकि यूएस प्रिवेंट कर रहा है उन सारी कंट्रीज को, बोल रहा है कि भाई आप इससे बिजनेस मत करो, ये 5G वाला जो सीन है ये हमें स्पाई करता है, आपकी कंट्री को थ्रेट हो सकता है। धीरे धीरे कुछ कुछ कंट्रीज ने किया, इंडिया अभी तक किया नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी नॉर्वे से Huawei को थोड़ी राहत मिल गई है। नॉर्वे ने क्लियरली बोल दिया कि हम Huawei को बैन नहीं करेंगे, हम Huawei को अलाउड करते हैं कि वो यहां पर आए और 5G वगैरह बेचे और जो करना है वो कर सकता है। लेकिन Telenor भी जो है दोस्तों, ये जो एक बहुत ही बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है यूरोप के अंदर, 8 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो वो चलती है, 182 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स है पूरे उधर यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको भी अच्छी राहत मिल गई कि वो Huawei के साथ मिलकर 5G यहां पर जो लेके आ सकता है। तो एक अच्छी चीज है Huawei के लिए, जो नॉर्वे ने उसको कह दिया कि
भाई हम आपको बैन नहीं करेंगे। हालांकि कभी कभी मुझे ये सब चीज देख के यूएस के बारे में ये भी ख्याल आता है कि इफ यू कैनॉट डिफीट देम देन बैन देम। जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और कल रात में तो आपको पता ही चल गया OnePlus 70, OnePlus TV आ चुका है। OnePlus 70 कुछ 37999, 8128 और 40,000 का कुछ 8256, 37999 सेम प्राइस पर है जो Asus ROG Phone 2 है। Asus ROG Phone 2 अभी उसको डिफीट करना मुश्किल है, लेकिन एनीवेज दोस्तों फीचर्स अच्छे, ट्रिपल कैमरा से 855 प्लस प्रोसेसर है, OnePlus UI तो हमें पता है बहुत ही डिफरेंट होता है। OnePlus TV मुझे काफी बढ़िया लगा है, सारे स्मार्ट टीवी मार्केट में जो आते हैं ना वैसे होना चाहिए जो OnePlus TV है, एक्सपीरियंस एकदम अलग आपको मिलता है। हालांकि महंगे भी 70,000 से स्टार्ट होता है, Q1 55 इंच का है और एक Q1 Pro जो कुछ 1 लाख का पकड़ लो वो भी 55 इंच का, लेकिन फीचर्स थोड़े उसमें बेटर है। वो नीचे से क्या निकलता है, नीचे से क्या निकलता है, अच्छी अच्छी चीज दिया उन्होंने। एनीवेज दोस्तों OnePlus मुझे बहुत लेट बेचता है, लेकिन लेट बेचता है इसलिए मैंने कल अनबॉक्सिंग नहीं दिया। काफी सारे लोग जिद कर रहे थे कि भाई आपने क्यों नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, भेजेगा तो मैं करूंगा ना, मैं ब्रांड के पीछे अभी लगता नहीं हूं। अब उनको भेजना है तो भेजे, उनको करवाना है तो कराए, मैं इसलिए पीछे लगता था कि मैं आपको कुछ अच्छे कंटेंट दे सकूं, इसलिए मैं उनको बार बार बोलता हूं कि भाई टाइम पे भेज दो, बाकी तो मुझे नहीं भेजा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आएगा दोस्तों तो अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी स्टाइल में आपको जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों रियलमी की तरफ से खबर आ रही है और आज की सबसे बड़ी और गर्वागर्व खबर यही है दोस्तों। अभी दोस्तों रिसेंटली ऑल इन द ब्लू Realme के दो नए मॉडल नंबर जो है स्मार्टफोन्स होंगे ऑब्वियसली वो ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गए। जी हां, एक है RMX 1931 जो लिस्ट हुआ है जिसमें 6.5 इंच की जो डिस्प्ले दिखाई दे रही फुल HD वाली और साथ में जो प्रोसेसर है वो Qualcomm का ऑक्टाकोर वाला है 2.84 GHz, ये ऑब्वियसली Snapdragon 855 है। तो क्या पता Realme अपना एक नया Snapdragon 855 वाला स्मार्टफोन लेके आएगा जो शायद Redmi K20 Pro वगैरह को कंपीट करने के लिए लेके आ जाए। ऑब्वियसली एक तो फोन ऑलरेडी आ चुका है उनका X2 जो Snapdragon 730G था और इंडिया में भी आएगा XT Snapdragon 730G जो हमें दिसंबर में मिलेगा, लेकिन ये भी एक फ्लैगशिप फोन होगा Snapdragon 855। क्या पता जो 5G की बात करें वो इसमें ही आपको क्यों ना लगा के दे दे, तो कुछ वैसा हो सकता है। एक और है RMX 1933 भी लिस्ट हुआ है साथ में, जो पता नहीं दो अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो ये एक फोन Realme का लिस्ट हुआ है Snapdragon 855 के साथ में ब्लूटूथ SIG पर। क्या लगता है ये कौन सा फोन होगा, कितना जल्दी लॉन्च होगा, क्या कुछ होगा, आप भी वैसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि डेली यहां पर यूट्यूब के ऊपर मोबाइल से जो वीडियोस पर व्यूज आते हैं ओवरऑल, मतलब आप सभी जो वीडियो देखते हैं जो व्यूज काउंट होते हैं पर्टिकुलर वीडियो पर ओवरऑल ग्लोबली यहां पर डेली बताया जा रहा है कि सबका मिला के डेली मोबाइल से ही 1 बिलियन व्यूज डेली के जो वो देखे जाते हैं। जी हाँ, तो आज की टेक्न्यूज पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक्न्यूज पसंद आएगी, अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक्न्यूज लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।